नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर इन हिंदी पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पोएम जिसका नाम है टोड्स, और ये लिखी गई थी फिलिप लार्किन के द्वारा। सन 1954 में लिखी थी और सन 1955 में ये पब्लिश हुई थी। एक जो ग्रुप ऑफ पोएम था जिसका नाम था द लेस डिसीव्ड, उसके अंडर ये पब्लिश हुई थी 1955 में। तो जैसा कि पोएम का टाइटल है टोड्स, टोड्स का मतलब होता है कि ये कोई मेंढक। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि ये पोएम किसी मेंढक के बारे में नहीं है। ये जो पोएम का टाइटल है टोड्स, ये एज ए मेटाफोर यूज़ किया गया है किसके लिए, जो बहुत ज़्यादा काम हम करते हैं अपनी डेली लाइफ में, हार्ड वर्क, एक्सेसिव वर्क के लिए यूज़ किया गया है, जो ओब्लिगेशंस होती हैं हमारी उनके लिए यूज़ किया गया है। तो इस पोएम में टोटल 9 स्टेंजाज हैं, सभी में चार चार लाइंस हैं, टोटल 36 लाइंस की ये पोएम है। तो जिसकी समरी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे ही पोएम स्टार्ट होती है तो जो पोएट हैं वो कहते हैं, वाई शुड आई लेट द टोड वर्क स्क्वेट ऑन माई लाइफ। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जो वर्क है, ये टोड टाइप जो वर्क है, ये मेरे ऊपर ऐसे बैठ गया है जैसे कि तो मेरे ऊपर कोई ढेर सारा भार रख दिया गया है। जो स्क्वेट वर्ड यूज़ किया गया है वो यहाँ पर ये दिखाने के लिए यूज़ किया गया है कि बिल्कुल कोई बंदा बहुत बुरी तरह से दब गया है, मतलब किसी चीज़ के अंडर। तो उसके बाद वो कहता है, कांट आई यूज़ माई विट एज ए पिच फोर्क। पिच फोर्क होता है कि ये जो एक नोकदार डंडा होता है जो भूसा उठाने के काम आता है, जिसमें तीन या चार नोक वाले आयरन के डंडे टाइप निकले रहते हैं। तो वो कहता है कि क्या मैं अपनी जो बुद्धि होती है, अपनी जो इंटेलिजेंस होती है, उसका यूज नहीं कर सकता किसके लिए, ब्रूट ऑफ। ब्रूट ऑफ मतलब कि ये जो जुल्म हो रहा मुझ पर, क्योंकि वो ढेर सारा काम कर करके बिल्कुल थक गया है, बिल्कुल ढेर सारे काम के नीचे दब गया है। तो क्या वो कोई अपना इंटेलिजेंट वे नहीं निकाल सकता, कोई शॉर्टकट नहीं निकाल सकता, इस जो इसके ऊपर ये क्रुएल्टी हो रही है, उसके ऊपर जो ये निर्दयतापूर्वक अत्याचार हो रहा है, उससे क्या वो बच नहीं सकता। तो वो ये कह रहा है। उसके बाद वो सेकंड स्टेंजा में कहता है कि 6 days ऑफ द वीक इट सोइल्स। 6 days मतलब कि वो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, वो 6 दिन तक बुरी तरह से काम करता है। और सेकंड लाइन में वो पॉइजन वर्ड का यूज़ करता है। तो यहाँ पर वो पॉइजन को किससे जोड़ रहा है, वो वर्क से जोड़ रहा है, जो बहुत ज़्यादा काम वो करता है। तो आप सोच सकते हैं कि वो उस काम से कितना ज़्यादा परेशान है कि वो उसको पॉइजन के समान मानता है। उसके बाद वो थर्ड लाइन में कहता है कि जस्ट फॉर पेइंग ए फ्यू बिल्स, मीन्स वो कहता है कि फ्यू बिल्स से मतलब उसका ये है कि जो उसके जो नॉर्मल रूटीन फाइनेंशियल खर्चे हैं, सिर्फ वो उन सब को करने के लिए ये सब इतना काम कर रहा है। और जबकि वो दैट्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मीन्स वो उस रेशियो में, जितना वो रेशियो में काम कर रहा है उस रेशियो में उसे पैसा मिल भी नहीं रहा, उतने रेशियो में उसको पेमेंट मिल भी नहीं रहा है। तो जो एक्सेसिव काम वो कर रहा है और उसके बदले उसे अच्छा पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो यही वो यहाँ पर दिखाना चाह रहा है इस स्टेंजा में। उसके बाद जो थर्ड स्टेंजा, उसमें वो एक तो मैं आपको देता हूँ, यहाँ पर उसने यहाँ ढेर सारा एलिट्रेशन का यूज़ किया है एल वर्ड से, कि लॉट्स, लेक्चरर्स, लिस्पर्स, लीव, लूजल्स, लोबलोली, लाउट्स, और जैसा कि पोएट का खुद नाम भी है वो एल से है, लार्किन। उसके बाद वो कहता है, लॉट्स ऑफ फोक लिव्स ऑन देयर विट्स लेक्चरर्स। वो कहता है कि ढेर सारे ऐसे आदमी हैं इस धरती पर जो अपने दिमाग का यूज़ करते हैं अपने काम को कम करने के लिए, मीन्स वो काम कम करते हैं, पेमेंट ज़्यादा लेते हैं, और वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। वो लोग कौन कौन हैं, तो वो उनकी लिस्ट बताता है कि एक तो ये जो लेक्चरर्स होते हैं, लेक्चरर्स मीन्स जो वो कॉलेज में जाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा देंगे और उनको ढेर सारा पेमेंट मिलता है। लिस्पर्स, लोजल्स, लोजल्स होते हैं ये जो वर्थलेस पर्सन होते हैं, लोब लोली मैन मतलब जो यूजलेस पर्सन होते हैं, लाउट्स मतलब जो गवार आदमी होते हैं, जो ऐसे ही बिना पढ़ाई लिखाई के काम करते हैं, ये सब लोग, ये सब वो लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से काम से बचते रहते हैं और इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी रहती है। और जो लास्ट लाइन है उसमें वो कहता है, दे डोंट एंड एज पॉपर्स। तो वो ये कहता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते, फिर भी इनकी लाइफ चलती रहती है, और इनकी लाइफ का जो एंड है वो भी मतलब कि ठीक ठाक रहता है, ना कि किसी एक दरिद्र भिखारी की तरह रहता है। तो इस स्टेंजा में उसने ये कंपेयर किया है और एग्जाम्पल दिया है कि कौन कौन लोग हैं ऐसे जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हैवी वर्क से बचते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहता है, लॉट ऑफ फोक्स लीव अ प्लेन्स। लीव अ प्लेन्स मतलब कि जो आपने देखा होगा ये सब लोग होते हैं जो सड़क के किनारे पड़े रहते हैं और सड़क पर ही, मतलब उनका कोई घर नहीं होता, वो सड़क पर ही रहते हैं। तो ये वो लोग, उन लोगों के बारे में बात कर रहा है, विद फायर्स इन द बकेट। विद फायर्स इन ए बकेट, तो इस फायर्स इन ए बकेट का मतलब है कि उनके पास कोई किचन नहीं होता, वो मतलब किसी आइटम में आग जला लेते हैं और उसी पर खाना पका लेते हैं। तो वो उनको बता रहा है, उनका जिक्र कर रहा है, ईट विंड फॉल्स एंड टिंड सेडाइंस। तो ईट विंड फॉल्स का यहाँ पर मतलब है कि मतलब वो कोई भी ऐसी चीज़ जो खाने को मिल जाए, मीन्स कुछ भी, तो वो कुछ भी खा लेते हैं और
ये सेरडाइंस होती है, एक छोटी मछली जो बिल्कुल जो गरीब लोग खाते हैं, मीन्स वो ऐसे एक्चुअली खाने लायक नहीं होती, उसमें ज़्यादा मीट नहीं होता, गरीब लोग ही उसे खाते हैं, तो वो उसको खा के गुजारा कर लेते हैं, वो इस अपनी इस लाइफ से ही खुश रहते हैं, दे सीम टू लाइक इट, वो इस लाइफ को पसंद करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टैंजा में वो थोड़ा सा और उन लोगों के बारे में बताता है कि उनके जो देयर निपर्स, निपर्स मतलब उनके छोटे बच्चे, उनके बच्चों के पैरों में जूते भी नहीं होते, ना चप्पल होती है, वो नंगे पैर ही घूमते रहते हैं, उनकी जो वाइफ होती हैं वो बिल्कुल पतली होती हैं, एज वी पेट्स। तो वी पेट्स क्या होते हैं कि जो ये बिल्कुल पतला सा कोई डॉग होता है, आवारा कुत्ते जो सड़क पर घूमते रहते हैं, वो उनसे कंपेयर करता है कि उनके जैसी होती हैं उनकी वाइफ, और वो यूज़ करता है देयर अनस्पीकेबल वाइव्स। अनस्पीकेबल का मतलब कि मतलब उनके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि वो इतनी भद्दी होती हैं, तो वो एंड येट नो वन एक्चुअली स्टार्स। तो वो कहता है कि ये लोगों की इतनी बुरी हालत है लेकिन ये लोग फिर भी भूखे नहीं मरते और ये खाना खाते रहते हैं, जिंदा रहते हैं और काम भी नहीं करते। उसके बाद जो लास्ट फोर स्टेंजा हैं उनमें वो खुद के बारे में बात करता है, तो जैसा कि इससे नेक्स्ट स्टेंजा है उसमें वो कहता है एह वर आई करेजियस इनफ टू शाउट स्टफ़ योर पेंशन। वो कहता है कि काश मेरे अंदर इतनी हिम्मत होती कि स्टफ़ योर पेंशन, यहाँ पर वो ये जो फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी होती है उसके बारे में बात कर रहा है, कि जो वो जॉब कर रहा है, जो वो काम कर रहा है, उस काम को त्यागने की उसमें हिम्मत होती, लेकिन उसमें ये हिम्मत है नहीं। तो वो यही कह रहा है, और वो कह रहा है क्योंकि उसमें ये हिम्मत नहीं है, वो ये काम इसलिए कर रहा है क्योंकि इस काम से उसे जो पैसा मिलता है उससे ही उसके सपने पूरे होते हैं, उसके ड्रीम्स पूरे होते हैं, और इस काम से ही, इस काम पर ही उसके जो ड्रीम है वो टिके हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहता है कि फॉर समथिंग सफिशियंटली टोड लाइक स्क्वेट्स इन मी टू। तो अभी यहाँ पर वो एक जो दूसरे किसी टोड के बारे में बात करता, अभी तक वो जिस टोड के बारे में बात कर रहा था वो एक्सटर्नल टोड था, मतलब जो वो हैवी वर्क उसके वो कर रहा है, जो बाहर मतलब जो काम वो करता है, अब वो कहता है कि एक टोड मेरे अंदर भी है, और वो टोड क्या है, वो टोड यही है कि जो वर्क करने की जो हमारी टेंडेंसी है और जो ऑब्लिगेशंस होती हैं उसको वो यहाँ पर रेफर कर रहा है, जो इनसाइड टोड वो बता रहा है, मीन्स एक तो वो जो बाहर वर्क करता रहता है और एक जो उसके अंदर जो दिमाग में बैठ गया है कंसेप्ट काम करने का, ये उसके बारे में बात कर रहा है, कि वो कहता है कि ये इतना हैवी है जैसा कि कोई हार्ड लक होता है और कोल्ड एज स्नो, बर्फ के जैसा ठंडा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा में कहता है एंड विल नेवर अलाउ मी टू ब्लर्न माई वे टू गेटिंग द फेम एंड द गर्ल एंड द मनी ऑल एट वन सिटिंग। वो कहता है कि ये जो इनसाइड जो टोड है उसके अंडर एक, ये तो उसे एक चापलूसी नहीं करने देता, इस वजह से उसे हैवी वर्क करना पड़ता है, और ऊपर से अगर वो ये सब काम नहीं करेगा, ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं करेगा, तो वो तीन चीज़ें यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है कि जो रियल में जिन्हें वो पोएट सक्सेस मानता है, एक तो होता है फेम मतलब कि प्रसिद्धि, दूसरा लड़की और तीसरा पैसा। तो कहता है कि घर बैठे किसी को ये तीनों चीज़ें नहीं मिल सकती, उसे सक्सेस नहीं मिल सकती। उसके बाद जो लास्ट स्टेंजा है उसमें कहता है डोंट से वन बॉडी इज दी अदर वन स्पिरिचुअल ट्रूथ। कहता है कि ये जो दोनों टोड हैं ये एक तरह से दोनों सेम है, हालांकि ये दोनों एक बाहरी है एक अंदरूनी है, लेकिन ये दोनों एक ही हैं क्योंकि उन दोनों ने ही पोएट को बांध रखा है। तो उसके बाद वो कहता है अगर मैं एक से पीछा छुड़ा लूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो दूसरा अवेलेबल है उसका भी काम यही है कि वो मुझे वर्कोहलिक बना के रखे। तो दोस्तों ये थी इस पोएम की समरी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ओके दोस्तों, बाय।